हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग बात करेंगे लिवर को कैसे डिटॉक्स किया जाए। लिवर एक ऐसा इम्पॉर्टेंट ऑर्गन है आपके बॉडी में, जो हमारे बॉडी से हमारे पूरे जो टॉक्सिन्स थिंग्स है उसको रिलीज आउट करता है, रिमूव आउट करता है, जिसकी वजह से हम नेचुरली अच्छे तरीके से हैं। अदरवाइज लीवर अगर हमारा फ्लशिंग का काम नहीं करेगा तो हम हमारे बॉडी में इतनी सारी बीमारियां भर जाएगी कि हम सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। तो लीवर का जो मेन रोल होता है, अगर लीवर उसको करने में इम्पॉसिबल हो जाए या तो नहीं कर पा रहा है, तो हमारा मेन काम यह है कि हम नेचुरली तरीके से लीवर के जितनी भी जमी हुई गंदगी है उसको रिमूव आउट कर सकें। तो आज हम इसी टॉपिक में बात करने जा रहे हैं कि हम किस तरीके से अपने लीवर को डिटॉक्स कर सकें, लीवर की सफाई कैसे कर सकें, हम ऐसे क्या चीज खाएं जिससे हमारा लीवर साफ रहे और हमारा हेल्थ अच्छा से मेंटेन रहे। स्टार्ट करते हैं आज के टॉपिक से। तो लीवर का मेन काम है हमारे बॉडी से गंदगी को बाहर निकालना, फ्लश आउट करना। हम जो कुछ भी खाते हैं उसमें हमारे लिए बहुत ज्यादा एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स थिंग्स भी होता है, साथ में बहुत सारे ऐसे टॉक्सिक थिंग्स भी होते हैं जो हमारे बॉडी में डैमेज क्रिएट करते हैं, डिजीज प्रोवाइड करते हैं हमारे बॉडी को और हमको अनहेल्दी बनाते हैं। तो लीवर का एक लिमिट होता है कि एक लिमिट तक ही वो हर चीज को फ्लश आउट कर पाए, उसके बाद उसकी लिमिट खत्म हो जाती है तो गंदगी धीरे धीरे लीवर में जमा होना स्टार्ट हो जाता है। तो हम स्टार्ट करते हैं कि आज हम ऐसे क्या क्या थिंग्स को देखेंगे, क्या क्या चीज यूज कर सकते हैं जिससे हम लीवर को फ्लश आउट कर सकते हैं। सबसे पहला है टर्मरिक, हल्दी। हल्दी एंटीऑक्सीडेंट का काम करता है। एंटीऑक्सीडेंट मतलब आपके बॉडी में जो ऑक्सीडेटिव रिलीज हो रहे हैं रेडिकल्स, फ्री रेडिकल्स जो आपके सेल को डैमेज करते हैं उसको वो ठीक करने का काम करता है। टर्मरिक में करक्यूमिन नाम का एक एंजाइम पाया जाता है जो कि आपके टॉक्सिक थिंग्स को रिमूव आउट करते हैं, जैसे कि फैटी लिवर हो गया या अल्कोहल रेस्ट टॉक्सिसिटी हो गया आपके बॉडी में या तो लीवर की टॉक्सिसिटी होगी, इन सबको क्लीन करने में हेल्प करता है टर्मरिक। टर्मरिक को आपको एक ग्लास गर्म पानी लेना है, उसमें आधी चम्मच हल्दी डालनी है और आधी चम्मच ब्लैक पेपर डालना है, काली मिर्च का पाउडर डालना है, क्योंकि काली मिर्च का पाउडर डालोगे तो हल्दी इजिली आपके बॉडी में एब्जॉर्ब हो जाएगा। तो आपको गुनगुने पानी में उसको मिक्स करके 14 दिन तक कंटिन्यू डेली आपको पीना है, जिससे आपके लीवर में जो जमी हुई गंदगी है वो इजिली फ्लश आउट हो जाएगी। दूसरा है आंवला और करेले का उपयोग। आंवला बेस्ट एंटीऑक्सीडेंट है आपके बॉडी के लिए, जो कि आपके बॉडी के डाइजेस्टिव को भी इम्प्रूव करता है और रिच सोर्स है आपका विटामिन सी का, जो कि आपके बॉडी में प्रेजेंट जितने भी एसेंशियल थिंग्स है उसके बूस्टअप करता है, प्लस साथ में आपके लीवर में जितने भी एंजाइम प्रेजेंट है उसको बूस्टअप करने का काम करता है और एक प्रकार का ये नेचुरल डिटॉक्सीफायर है जो नेचुरली तरीके से डिटॉक्सीफाई करता है। नेक्स्ट है करेला। करेला हम सब्जी में भी उपयोग करते हैं और इसको एक प्रकार से मेडिसिन फॉर्म में भी हम इसको खा सकते हैं, जो हमारे शरीर के जितनी भी गंदगी है उसको फ्लश आउट करने में काम करता है। करेला आपके लीवर में हुआ इन्फ्लामेशन हो गया उसको ठीक करने में काम करता है, आपका डाइजेस्टिव सिस्टम को बूस्टअप करता है, इम्यूनिटी पावर इंक्रीज करता है, डिटॉक्सीफाई करता है, फैटी लीवर जैसे थिंग्स को वो रिड्यूस करता है और अल्कोहल जैसे अल्कोहल रेस्ट जो लीवर प्रॉब्लम्स होते हैं उनको भी रिड्यूस करने में हेल्प करता है। तो अब बात करते हैं इसको कैसे उपयोग करना है। तो आंवला का आप पाउडर बना सकते हैं, उसको धूप में सुखा करके कट करके, और सेम एज इट इज करेला का भी आप पाउडर बना सकते हैं। तो 1 ग्लास गर्म पानी में आपको 2 टीस्पून ऑफ आंवला पाउडर और 2 टीस्पून ऑफ करेला का पाउडर मिक्सअप करके आपको एटलीस्ट 14 डेज तक पीना चाहिए, जो नेचुरली तरीके से आपके बॉडी के जितने भी गंदगी उसको फ्लश आउट करने में हेल्प करेंगे। नेक्स्ट है गार्लिक, लहसुन, जो कि हमारे किचन्स में इजिली अवेलेबल हो जाता है, हम उसको डेली यूज करते हैं। गार्लिक में सोलेनियम और एलिसिन नाम का कंपाउंड ज्यादा पाया जाता है, जो कि आपके टॉक्सिक्स को रिमूव करने में हेल्प करते हैं और आपके डाइजेस्टिव सिस्टम को इम्प्रूव करते हैं, ब्लड को प्यूरिफाई करने में हेल्प करते हैं और आपको हेल्दी बनाने में हेल्प करते हैं। तो आप इसको कच्चे भी खा सकते हैं, रॉ अगर आप खाएंगे तो ज्यादा फायदा है, कच्चा खाना है तो आपको बेड टाइम में जब आप सोने जा रहे हो उसको क्रश करके सोने के समय आप उसको खा सकते हैं, जो नेचुरली सुबह तक आपके बॉडी से जो गंदगी है उसको रिमूव करने में हेल्प करेगा। फोर्थ है
अगर आप ग्रीन टी पी सकते हैं तो और भी अच्छी बात है, कि ग्रीन टी सबसे ज्यादा इफेक्टिव होता है, डिटॉक्सिफायर होता है, क्योंकि ग्रीन टी सबसे अच्छा कंपाउंड है उसमें, जो कि आपके हेल्थ को भी मेंटेन करेगा, आपके जो बॉडी में जो टॉक्सिन्स है वो रिड्यूस करेगा, फ्लश करने में हेल्प करता है। तो ग्रीन टी डेली रेगुलर बेसिस में आपको पीना है, प्लस साथ में अगर आपको लिवर से रिलेटेड कोई संबंधित बीमारी है तो आपको मीट, फिश, चिकन ये सब अवॉइड करना चाहिए, ब्रेड, बटर्स ये सब अवॉइड करना चाहिए, आपको सात्विक भोजन करना चाहिए, आपको स्प्राउटेड चीज खाना चाहिए, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, सलाद ज्यादा मात्रा में खाना चाहिए, और जितना ज्यादा हो सके आपको 2 to 5 glass पानी आपको पीते ही रहना चाहिए दिन भर में, ताकि आपका लीवर हेल्दी बना रहे। आज के टॉपिक में हमने देखा कि लीवर को किस तरीके से डिटॉक्सिफाई कर सकते हैं और आप अपने आप को हेल्दी बना सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई दिस वीडियो।